टीटी में पुनः स्वागत है। 2019 में प्रश्न संख्या 6 सीबीएसई में पूछे गए थे, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एम फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए 5 और -3 एंड 13 कोमा एम इज 10 यूनिट्स। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आप लोगों को कुछ पढ़ना है, जिसमें है दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस तथा एरिया ऑफ ट्रायंगल। बहुत कम ही पार्ट्स आपको पढ़ने हैं 10th क्लास में सीबीएसई में। तो इसको फटाफट बनाने के लिए पहले मैं कुछ बता देना चाहता हूँ। पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, आपने ग्राफ बनाया होगा, उसमें 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। ये एक्स एक्स एक्सिस, वाई वाई एक्सिस, ये ओरिजिन हुआ, एक क्वाड्रेंट ये हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इधर जो ये जो होता है, इधर हम पॉजिटिव लेते हैं, समान दूरी पर हम पॉइंट्स 1, 2, 3 इस तरह से एक ये नंबर लाइन ही इसको समझ लें। और इस साइड नेगेटिव -1, -2 और ऊपर ये पॉजिटिव होता है, तो और नीचे ये नेगेटिव -1, -2 इस तरह से जहाँ तक हम बढ़ेंगे ये बढ़ते जाएगा। ये नंबर लाइन है, ये ओरिजिन है। अब जैसे हमें पॉइंट लेना है 3, 2, तो अर्थात एक्स एक्सिस पर हम पॉजिटिव दिशा में 3 और वाई पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो 3, 2 अर्थात ये पॉइंट हमारा 3, 2 होता है। इसको हमने समझा, ये पॉजिटिव और इस तरह ये क्वाड्रेंट जो होता है ये नेगेटिव और पॉजिटिव में आएगा, और ये एक्स एक्सिस नेगेटिव है, नेगेटिव वाई एक्सिस नेगेटिव है तो नेगेटिव, और ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, वाई एक्सिस नेगेटिव जाएगा तो नेगेटिव, ये और ये पॉजिटिव पॉजिटिव, इस तरह से ये 4 क्वाड्रेंट है। तो सबसे पहले इसी में हम देखेंगे जो दो पॉइंट, अब हम देखते हैं दो पॉइंट कहीं भी है, किसी भी क्वाड्रेंट में कहीं भी हो, तो हम उसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे ये हम देख लेते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट x1 y1 है, यह पॉइंट x2 y2 है, तो इसका हम फार्मूला, इस पॉइंट को a दे दिए, इस पॉइंट को b दे दिए, तो इसके फार्मूला को हम ध्यान से देख लें। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू होता है इसका डिस्टेंस, ए से बी तक का डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस फार्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इसमें हम ये देख पाते हैं, जो हम x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव बन जाता है। तो अर्थात a से b तक का डिस्टेंस जो हो जाता है वो हमारा हो गया अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसमें ध्यान ये रखना है, जो हमारा ये पॉइंट जो है ये ऑर्डर्ड पेयर में होता है, अर्थात ये बदल नहीं सकते हैं, तो ये जब भी शुरू वाला होगा वो एक्स एक्सिस का होगा और बाद वाला वाई एक्सिस का होगा। ये 2 डायमेंशन में हम पढ़ाई कर रहे हैं, 3 डायमेंशन हम आगे नेक्स्ट बताएंगे। तो ये जो x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर
को हम इस तरह से जोड़ देंगे तो हमारा ये डिस्टेंस निकल जाता है। तो अब हमारा यहाँ जो पॉइंट है इसमें हम देखें, हमने ये ग्राफ बना दिया। अगर परीक्षा में इस तरह से आप बनाते हैं तो एग्जामिनर को होता है जो अंडरस्टैंडिंग है बच्चों में। तो यहाँ ये जो है 5-3 है और ये जो है 13 और m है, अर्थात एक्स एक्सिस पर 13 पॉजिटिव डायरेक्शन में और m पॉजिटिव है तो इसी क्वाड्रेंट में होगा, और यहाँ एक्स 5 और y-3 तो अर्थात ये 4th क्वाड्रेंट में होगा। तो इस तरह से हमने दिखाया, ये डिस्टेंस 10 यूनिट्स दिए हुए हैं। तो अब इस फार्मूला पर हमने फटाफट बैठा दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 13 घटो 5 का होल स्क्वायर प्लस m घटो -3 का होल स्क्वायर। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 में 5 या 8 स्क्वायर प्लस m+3 का होल स्क्वायर। यहाँ ये ए बी जो है हमारा ये 10 यूनिट्स दिया गया है। तो ये 10 100 हुआ, ये 8 64 इधर गया माइनस, तो ये जो है हमारा 36 हो जाता है। m+3 का होल स्क्वायर बराबर 36, m+3 बराबर इसका अंडर रूट हो जाएगा 36 का, इसको जब हटाएंगे तो ये 6 हो गया, तो इसलिए m = 6/3 हमारा ये आंसर 3 आ जाता है। तो अर्थात m = 3 होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी दिक्कत हो, इसमें फिर कुछ आप लोग कहना चाहेंगे तो प्लीज कमेंट्स में लिखें। थैंक्स।